بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم। एक शरारत का जिक्र करते हैं ताकि अहले ईमान उन यहूदियों की उस साजिश में नादानिस्ता तौर पर शामिल ना हो सकें। चूँकि यहूदियों की मुख्तलिफ किस्म की शरारतें इससे पहले बयान हुई, उनके मुख्तलिफ किस्म के करतूत, मुख्तलिफ किस्म की अल्लाह के साथ और अल्लाह के नबियों के साथ की जाने वाली ख्वास्तें बयान होने के बाद फिर भी वो बाज ना आए, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी बैठकर उन्होंने अपनाइयत देकर सहाबा इकराम को भी और अल्लाह के रसूल को भी उसमें भी अपनी शरारतें शुरू की। उनमें से एक ये है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को बाज़ करते, कोई बात करते, मसला बताते, तो ये लोग बीच में ये जुमला इस्तेमाल करते, राइना या मोहम्मद, ए मोहम्मद हमारी रियायत कीजिए। अब राइना का मतलब ये है कि हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए ताकि आपकी बात को हम सुन सकें, जैसे कहते हैं हमारी तरफ देखिए। अब ये जो लफ्ज़ राइना है ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है, इब्रानी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। बनी इसराइल की चूँकि इब्रानी ज़बान थी तो इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ राइना का माना बद्दुआ के लिए था, और अरबी में इसका माना होता है हमारी रियायत कीजिए। तो इन्होंने जुमला ऐसा चुना कि जो यहूदियों की अपनी ज़बान में तो गलत जुमला था और अरबियों के यहाँ वो सही था, तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठकर जब ये कहते राइना या मोहम्मद और फिर एक दूसरे की तरफ यूँ देखकर आंख मारते। अब जिसको आंख मारते वो मुस्कुराता। अब मकसद क्या था कि देखें हमने ये जुमला इस्तेमाल किया, दीगर सहाबा इकराम भी बीच में मौजूद थे, वो भी कहते राइना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरे को आंख मारने का मतलब ये था कि हमारा जो कमाल था वो तो हमने पूरा कर लिया। पहले हम सराहतन गुस्ताखियाँ करते थे, बेअदबियाँ करते थे और ये लोग चिढ़ते थे, अब जो बात हमने पकड़ी है ना ये बड़ी कमाल की है, इसमें ये मोहम्मद के मानने वाले सहाबा भी हमारे साथ हैं और इसको पज़ीराई हासिल हो गई, अब तो हम कामयाब हो गए, इसी मजलिस में बैठकर इनकी इनके लिए बद्दुआया जुमला भी कहेंगे। एक सहाबी हैं हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो यहूदियों की ज़बान समझते थे। उन्होंने जब देखा कि ये लफ्ज़ राइना इस्तेमाल कर रहे हैं और बज़ाहिर हमें ये बतला रहे हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, जो समझ नहीं आती तो फिर कह रहे हैं कि राइना या मोहम्मद, तो हज़रत साद इब्न मुआज़ ने जब ये जांच लिया तो यहूदियों को कहने लगे कि आइंदा अगर तुम्हारी ज़ुबान से हमने ये जुमला सुना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा। कहने लगे क्यों, हम तो ये कह रहे हैं, देखो ना तुम भी तो हमारे साथ कहते हो, हम कहेंगे तुम हमारी गर्दन उड़ा दोगे। वो कहने लगे नहीं, मैं तुम्हारी आंख मचोली समझता हूँ, तुम इस जुमले से कोई और माना लेते हो, इसीलिए जब तुम में से कोई एक कहता है तो बाकी हंसते हैं, मालूम हुआ है या तो हमारे नबी के लिए तुम तमस्खुर कर रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर यह आयत नाजिल की
और अहले ईमान सहाबा इकराम को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों, ला तकूलू, तुम ना कहो राइना, ये जुमला ना कहो, वकूलू और कहो उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्मऊ और उनकी बात गौर से सुनो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और इन काफरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ने ख़िताब अहले ईमान को किया, अहले ईमान को ख़िताब करके उस बात से मना किया जो बात यहूदियों की ईजाद की हुई थी। अगरचे ज़ुबान अरबी का लफ्ज़ था, लेकिन चूंकि यह ऐसा लफ्ज़ था कि इसमें दोनों माने पाए जाते थे, कबाहत का भी और अच्छाई का भी। इससे यह बात साबित हुई कि जब कोई ऐसी चीज़ और ऐसा जुमला, ऐसा कलमा, ऐसी इस्तलाह जो किसी कुफ्रिया जमात में या किसी काफिर कौम में उनके बातिल माबूदों के लिए या बातिल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसी चीज़ का बेशक माना भी सही हो, उसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना या अल्लाह के रसूल के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। जैसे आप देखें ना, हिंदू मज़हब में वो अपने खुदा को क्या कहते हैं, भगवान। अब भगवान उनका रब है, लेकिन उनके जहन में भगवान का तसव्वुर और है। मुसलमानों के यहाँ मुसलमानों का खालिक अल्लाह है, और अल्लाह का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ और है। अब अगर कोई हिंदू मुसलमान हो जाए और इस्तलाह वही इस्तेमाल करे भगवान वाली अल्लाह के लिए, तो ये जायज़ नहीं होगा। या कोई मुसलमान हिंदुओं के साथ बैठकर और वहाँ अल्लाह के लिए लफ्ज़ भगवान इस्तेमाल करे, ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा। इसलिए कि उनके यहाँ उनके खालिक को भगवान कहते हैं, मगर हमारे सामने जब वो इस लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो मालूम नहीं कि उसके दिल में ईमान है या नहीं। बज़ाहिर वो जुमला इस्तेमाल करके उसके जहन में तसव्वुर उसके उस बातिल खुदा का आएगा, और वो अल्लाह को भी उसी नहज में समझेगा। लिहाजा अगर वो मुसलमान होता है तो उसको इस्लामी इस्तलाह अल्लाह के लिए जो ख़ास है, अल्लाह, रहमान, रहीम, जो अल्लाह के सिफाती नाम भी हैं या अल्लाह का ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगरचे बज़ाहिर लफ्ज़ तो ठीक होगा, लेकिन चूंकि उसमें अल्लाह की तोहीन का खदशा है, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी जब उन्होंने वो जुमला इस्तेमाल किया, अरबी ज़बान के लिहाज से सही था, लेकिन वो यहूदी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत इरादा रखते थे, गलत नीयत रखते थे, तो ऐसा लफ्ज़ के जिसमें खैर का भी पहलू हो, शर का भी पहलू हो, ऐसे लफ्ज़ के लिए उलमा ने लिखा है कि वो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसलिए कि जो इस्तेमाल कर रहा है वो नियत शर की कर रहा हो, और मकाम वो हो जो खैर का हो, और लोगों को खैर का जाहिर करके नियत शर की करके करेगा, तो ये हराम होगा, जायज़ नहीं होगा। इसलिए ईमान वालों से कहा कि तुम ऐसा जुमला इस्तेमाल ना करो जो यहूदी कह रहे हैं राइना। और इससे एक मसला और भी, ये भी साबित हो गया, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो चीज़ काफरों की अलामत है, ईमान वालों को चाहिए उसको इख्तियार ना करें। काफरों की अलामत अगरचे वो सही भी हो, जायज़ भी हो, लेकिन उसको इस्तेमाल ना करे। इसको कहते हैं कुफ्र के साथ तशाबो, और हदीस में है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, कि जिस आदमी ने जिस कौम की मुशाहबत इख्तियार की वो क्यामत के दिन उसी कौम में से उठाया जाएगा, फहुवा मिन्हु। अब मुशाबहत की बात है, और इसी आयत से इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्तदलाल किया और कहा कि कुफार की मुशाबहत इख्तियार करना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, मना किया गया। और आज अगर हम देखें तो हम में से कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार नहीं करता, बल्कि इस ज़माने में ईमान का इतना इन्हितात हो गया, ईमान इतना तनज़्ज़ुलों की तरफ चला गया कि उस वक़्त तक वो आदमी सही मानों में मुसलमान ही नहीं बनता जब तक वो मुकम्मल तौर पर काफरों की मुशाबहत नहीं इख्तियार कर ले, और उस पर वो खुश है और राज़ी होता है। और जब उसे बाखबर किया जाए कि तुम्हारा ये अमल
मुसलमानों वाला नहीं है, काफरों वाला है, तो वो फौरन आगे से नाराज भी होता है, उछलता भी है और यक लख्त मुफ्ती बन के फतवा दे देता है। तुम तंग नजर हो, जाहिल हो, गबी हो, बेवकूफ हो, तुम्हें क्या मालूम? मैंने दुनिया देखी हुई है। दुनिया देखो, आसमान देखो, जमीन देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, रात में देखो, दिन में देखो, जहां मर्जी देखो। अगर कोई साहिब ईमान किसी काफिर की तशाबो इख्तियार करेगा तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो कल क्यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का नाम ना ले, वो उन्हीं में से होगा जिनकी तशाबो इख्तियार करेगा। आज हमारा लिबास यहूदियों वाला, शक्ल यहूदियों वाली, रहन सहन यहूदियों वाला, खाना पीना यहूदियों वाला, लैल नहार की सारी जिंदगी वो यहूदियों की तरह, उनकी मुशाबियत पर फख्र महसूस करते हैं। और सिर्फ फख्र महसूस नहीं करते, इसको तरक्की और कामयाबी समझते हैं। मिसाल के तौर पर आज आप देखें हमारे सियासी लीडर हैं, वो तकरीरें करते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे बरतानिया की तरह, नहीं कहते। आम सादे मुसलमान भी बरतानिया की, यूरोप की मिसालें देते हैं, वहां तो यूं है, वहां तो यूं है, और हम उस जैसी बनाएंगे। यह भी कुफार की तशाबों के जुमरे में आता है। बरतानिया ने जो निजाम पेश किया वो कहां से आया? क्या तुम्हारे पास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम नहीं है? सैयदना सिद्दीक अकबर का निजाम नहीं है? सैयदना फारूक आजम का निजाम नहीं है? उस्मान ज़ुन्नूरैन का निजाम नहीं है? अली उल मुर्तजा का निजाम नहीं है? हसन इब्ने माविया, हसन इब्ने अली और माविया बिन अबी सुफियान का निजाम नहीं है? इस जमीन पर सबसे पहले अमानत दयानत अखलाकियात ईमानियात का माशरती इख्तदारी निज़ाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया, और हुजूर के बाद सबसे पहले जिस शख्सियत ने इसको दुनिया पे मशहूर करवाया अबू बकर सिद्दीक हैं, और उसको आफाक आलम में रोशन किया तो सैयदना फारूक आजम ने, उसको मजीद जला बख्शी तो सैयदना उस्मान गनी ने, उसमें मजीद रौनक सैयदना अली ने बनाई, और उसकी तकमील और ततमीम और उसके हुस्न का तकमीला सैयदना माविया की खिलाफत में पूरा होता है। और ये चूंकि मुशाबहत उनकी पसंद करते हैं इसलिए कहते हैं हम वहां जाएंगे। ये भी जायज नहीं है कहना किसी इस्लामी मुसलमान लीडर के लिए, ये कहना हराम है। हां, मुसलमानों के पास वजूद ना हो, अदल व इंसाफ का निजाम ना हो, मुसलमानों के पास कोई ऐसा खलीफा ना गुजरा हो, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई निजाम ना पेश किया हो, फिर जिस मर्जी की मिसाल दो। तो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो भी आदमी इस उसूल से साबित हुआ कि जो कुफार की मुशाबहत इख्तियार करेगा उस मुशाबहत से मना किया गया है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर लफ्ज़ राइना से दूसरा माना भी निकल सकता था और सही माना भी, इसको भी अल्लाह ने मना फरमाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर आप याद रखें सहाबा इकराम दूसरी नियत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब होना तो यूं चाहिए था भाई यहूदी कह रहे हैं लिहाजा यहूदियों की इस बात से बाज रहो, अल्लाह ने कहा नहीं बाज ही नहीं रहना, जो जुमला वो कह रहे हैं वो जुमला भी ना कहना। इसीलिए आपने देखा होगा ना 10 मुहर्रम होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आए तो मदीना तैयबा आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला भाई 10 मुहर्रम को रोजा रखा जाता है और यहूदी इसलिए रखते हैं कि फतह का दिन है उनका। हुजूर ने फरमाया तुम भी रखा करो, हम तो मूसा के ज्यादा हकदार हैं कि उसकी याद को ताज़ा करें, उसकी सुन्नत को जिंदा करें, लिहाजा तुम भी रखो। फिर फरमाया अच्छा यहूदी एक रखते हैं, तुम दो रखो ताकि यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए। रोज़ा रखना इबादत, उस इबादत में भी कहा यहूदियों की मुशाबहत ना हो मुखालफत, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत यहूद और नसारा से मुमताज़ हो जाए। और आज कल के मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपके दीन आपकी शरीयत से तो हिकारत महसूस करते हैं, और उन बातिल मजहब वालों को जिनको कुरान सुन्नत ने मनसूख करार दे दिया, बातिल करार दे दिया, इसकी मौजूदगी में वो बातिल होंगे और उस पर फख्र महसूस करते हैं।
उनके तरीक़ाकार को। इसलिए यहाँ से बाकायदा तौर पर मुसलमानों के लिए उसूल निकल आया। इसी तरीके से एक मसला यहाँ से यह भी साबित होता है, ऐसा कोई अमल जो मुबाह हो, जायज़ हो और दीनदार लोगों को वो नहीं करना चाहिए, उलमा और सुलहा को नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग गलत फ़ायदा उठाकर गलती में पड़ने का खदशा हो। कई ऐसे काम होते हैं जायज़ होते हैं, मुबाह होते हैं, उलमा इकराम नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उलमा करेंगे, जायज़ तो है ना, आलिम अहले इल्म है, वो अपने इल्म की फरासत से देखता है, अपने इल्म की रोशनी में देखता है, गलत नहीं हो रहा। आवाम जब उसको देखती है तो वो उसको इख्तियार करती है, उसकी वजह से गुमराही में और कुफ्र में दाखिल हो जाती है। तो ये भी फुकहा ने इससे उसूल निकाला। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐसा जुमला ना कहो जो यहूदियों ने कहा राइना, वकूलू कहो उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए। अब राइना का भी माना भी यही था लेकिन अल्फाज बदल दिए कि उन्ज़ुरना का लफ्ज़ बिल्कुल सरी है, इसमें दूसरे माने का इहतमाल ही नहीं है। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखिए, इसलिए कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर इस तरफ बात कर रहे हैं, इधर उन्होंने कहा और राइना या मोहम्मद, ए मोहम्मद हमारी तरफ भी देखिए। अल्लाह ने कहा नहीं, यूँ कहो उन्ज़ुरना या मोहम्मद, उधर देख रहे हैं, तुम कहो उन्ज़ुरना या मोहम्मद, हमारी तरफ भी देखो। ये मसला भी साबित हो गया इससे कि जब हुजूर इधर देख रहे थे तो इधर नहीं देख रहे थे, जब सामने देख रहे थे तो पीछे नहीं देख रहे थे। मालूम हुआ कि हुजूर जिधर देखते हैं उधर से ही नजर आता है, जिस तरफ आपकी निगाह नहीं मुड़ती वहां से नजर भी नहीं आता। अकीदा है और यही अहले सुन्नत वल जमात का है, हुजूर अलैहिस्सलाम जो नजर आता था वही है, जिस तरफ हुजूर नहीं देखते थे। हाँ कभी कभी मौजज़े के तौर पर जैसे हदीस में है, नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पीछे भी देख रहा था। कभी कभी मौजज़े के तौर पर खर्क आदत, आदतन हुज़ूर अलैहिस्सलाम सामने देखते हैं, बैग नहीं देख सकते, दाएं देख रहे हैं बाएं नहीं देख सकते, लेकिन मौजज़े के तौर पर कभी अल्लाह आपको दिखला दें तो इसका इनकार नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। और आजकल लोगों ने मौजज़ात को भी अकीदा बना लिया और उसको कानून बना लिया। मौजज़े में और कानून में फ़र्क होता है। जब किसी नबी से मौजज़े के तौर पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े के तौर पर अगर पीछे देखना साबित है, ये मौजज़ा है, इसको इल्मुल गैब नहीं कहेंगे, कानून नहीं है ये। और कभी किसी वक्त मखसूस वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए दिखला दिया, तो इसीलिए सहाबा इकराम ने कहा उन्ज़ुरना, उधर देख कर बात कर रहे हैं, हमारी तरफ भी देख लीजिए। और फिर कहा वस्माऊ, जब आप उनसे कह रहे हो हमारी तरफ देखिए, बात करिए, हम सुनना चाहते हैं, वस्माऊ तो फिर सुनो भी उसकी बात, उसकी बात सुनो भी। क्यों? इसलिए कि मुहम्मद की बातें ही सुनने के लायक हैं। किसकी बातें? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें ही सुनने के, और क्यामत तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत में जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को नकल करके बयान करेगा, हुजूर के अल्फाज को नकल करके बयान करेगा, उससे मसाइल निकालेगा, वही सुनने के लायक है, उसके अलावा कोई बात सुनने के लायक नहीं है। इसलिए अल्लाह ने अमर कसी का इस्तेमाल किया, वस्मा, गौर से सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, बाकी रह गई बात इन काफरों की जो ख़वास्तें करने के लिए, यहाँ पर भी शरारत की, वलिल काफिरीन, इन काफरों के लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। अगले आयत में है मा यवद्दू, नहीं चाहते अल्लज़ीन, वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वलिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन इन में से, क्या नहीं चाहते, अय युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, के नाजिल हो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह खास करता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत ही फजल करने वाला है। अब यहाँ यहूदियों ने वो शरारत भी की, उसके बाद एक काम उनका और था, मुसलमानों को कहने लगे, दावा कर रहे थे कि यहूदियत इस्लाम से आला है, यहूदियत इस्लाम से आला है। और दूसरी बात कहते थे कि हम तुम्हारे बहुत खैर ख्वाह हैं, जो बात हम आपको बतला रहे हैं ना, हम बड़े खैर ख्वाह हैं, हम भी चाहते हैं कि हम कलमा खैर तुम्हारे साथ कहें, लेकिन मज़े की बात यह है कि तुम्हारा सारा दीन कुरान जो नाजिल हुआ हम देख चुके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें खैर ख्वाही हो, अच्छाई हो, वरना अगर अच्छी बात होती तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। अब ये काफरों का एक अंदाज होता है, एक चाल होती है। अल्लाह ने उनके इन दोनों, पहला दावा यह था कि यहूदियत इस्लाम से बेहतर है,
अब ये फजूल सी बात थी, इसलिए अल्लाह ने तो उसकी तरफ बात करने की और उसका जवाब देने की अल्लाह ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। अगली बात ये थी कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं, इससे मुसलमानों को धोखा लग सकता था, वाकई खैरख्वाह हैं शायद, और अंदाज़ भी ये था कि तुम्हारी बातें हम खैरख्वाह ही तो समझते हैं, लेकिन तुम्हारी दीन में कोई ऐसी बात तो है नहीं जो हम समझे कि बहुत ही बेहतर है, अगर बेहतर होती तो हम भी तुम्हारे साथ ही तो होते, लिहाजा तुम हमारी बात मानो। तो अल्लाह ने कहा कि याद रखो, ये जो काफिर है ना अहले किताब में से भी और मुशरिकीन में से भी, ये ऐसे जालिम हैं कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खैर को चाहते ही नहीं हैं, इनके तसव्वुर में ही नहीं है। और ये ऐसे ही है जैसे आजकल के दौर में आपने देखा होगा ना, बेदीन लोग ये दीनदारों को समझा रहे होते हैं, हमारे माशरे के बड़े बड़े जब बैठे हुए हो ना, कोई बच्चा कोई आलिम कोई नौजवान जब किसी को दावत दे रहा होता है, वो उसको कहते हैं यार बातें आपकी ठीक हैं लेकिन आखिर हमने भी तो इसी दुनिया में बाल सफ़ेद किए हैं ना, धूप में चल के तो नहीं किए, बातें आपकी ठीक हैं लेकिन असल मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, आप मेरी बात मानें, वगरना जो बातें आप कर रहे हैं ना इससे आपको बड़ा नुकसान होगा, इन बातों को छोड़ दो। मकसद क्या होता है, ये जो तू कलमा सच कह रहा है, कलमा हक कह रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत की सदाकतों को बयान कर रहा है, इसको छोड़ दे, हमारी तरह हो जा, मैं तेरा बड़ा खैर ख्वाह हूँ, कभी देखो चाचा समझा रहा है, कभी देखो ताया समझा रहा है, कभी दादा समझा रहा है, कभी इलाके का चेयरमैन समझा रहा है, कभी नंबरदार समझा रहा है, कभी वजीर आला समझा रहा है कौम को, कभी वजीर आजम समझा रहा है। और आजकल तो जुल्म यह है कि जितना बड़ा काफिर होगा वो इतना ही ज्यादा मुसलमान मजहबी आदमी को समझा रहा होता है कि मैं तेरा बड़ा खैर ख्वाह हूं। यह नुकता भी इन यहूदियों से लिया इन खैर ख्वाहों ने, अगर हमारे खैर ख्वाह हो तो हमारी तरह तुम भी हो जाओ, खैरख्वाही यही है ना, तुम हमारे खैर ख्वाह हो तो हमारी तरह हो जाओ, हमारे साथ मिलकर हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाओ, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की हक्कानी मजहब को बयान करने के लिए, नफाज के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और पूरी दुनिया में मनवाने के लिए हमारे साथ रख्त सफर बांधो। लेकिन तुम हमारा सफर रोक कर कहते हो गाड़ी यहां रोक दो हमारे साथ चलो, मालूम हुआ कि यह यहूदियत है। इसलिए अल्लाह ने कहा मा यवद्दू, वो चाहते ही नहीं है, अल्लज़ीन कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से, अहले किताब और मुशरिकीन। अब यहाँ अहले किताब, चूँकि असल खबासतें तो अहले किताब की थी, यहूद नसारा के, मुशरिकीन को साथ क्यों जोड़ दिया? मुशरिकीन का जिक्र इसलिए किया कि तमाम सहाबा इकराम ईमान वाले ये समझते थे कि ये जो मुशरिकीन मक्का हैं ये हमारे मुखालिफ हैं, और यहूदियों के बारे में और ईसाइयों के बारे में ये था कि चूंकि आसमानी किताब इनके पास है, हमारे पास भी आसमानी किताब है, ये भी अहले किताब है, हम भी अहले किताब हैं, मुमकिन है कि हमारी आपस में थोड़ी बहुत मेल जोल हो, एक बात इनकी हमारी तरफ मेलान हो, हम वाकई हमारे खैर ख्वाह हों। इससे खदशा था कि मुसलमान यहूदियों से धोखा खा जाए, और कई मुकामात पर यहूदियों ने धोखा देने की कोशिश की। जब ख़ानदान एक हो ना तो लोग कहते हैं यार अपने खानदान का है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, जुबान एक हो तो कहते नहीं अपना हम जुबान है, यार अपने सूबे का है, अपने शहर का है, ये मेरे साथ गड़बड़ नहीं करेगा, आदमी परदेश में हो तो बड़ी कदर होती है। तो यहां पर भी जब मुशरिकीन से टक्कर थी तो यहूदी आकर कहने लगे हम तुम्हारे बड़े खैर ख्वाह हैं, मुसलमानों ने भी शायद जहन में सोच लिया हो कि वाले किताब में से है, शायद कोई खैर ख्वाही वाली बात हो। तो अल्लाह ने कहा कि ये अहले किताब में से जो काफिर है ये भी और मुशरिकीन में से भी, ये तुम्हारे लिए खैरख्वाह नहीं है। कितना मजबूत जुमला है ये, मा यवद्दू, वो चाहते ही नहीं है, अल्लज़ीन कफरू, जो काफिर हुए, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से, किस बात पर, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई खैर नाजिल हो, उनकी चाहत नहीं है। मालूम हुआ वो हमारे लिए शर चाहते हैं, खैर नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, शर चाहते हैं। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि वो खैर पर ही रहें, उनकी शर वाली बात को खैर ना समझें। और आज सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि हम कुरान को अपना खैर ख्वाह नहीं समझते, अहादीस को अपना खैर ख्वाह नहीं समझते, उलमा को अपना खैर ख्वाह नहीं समझते, सालिहीन को अपना खैर ख्वाह नहीं समझते, दीनदार को अपना खैर ख्वाह नहीं समझते, अपना खैर ख्वाह उसको समझते हैं कि जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बगावत में गुजारी है।
आप देखें ना बैरून ममालिक से कितनी एड आती हैं, आती हैं ना, मुख्तलिफ एनजीओज हैं हर इलाके में, कोई 50,000 का कर्ज़ दे रहा है, कोई 1,00,000 का कर्ज़ दे रहा है, कोई कहता है मुर्गियों के अंडे निकालो मुर्गियां हम देंगे, कोई कहता है जी हम भैंसों के पैसे देंगे, कोई कहता है गाय के पैसे देंगे, ज़री फार्म बनाओ, जानवरों के फार्म बनाओ, नहीं होता। अच्छा हम दस्तकारी की मशीनें देंगे ताकि घरों में वो लड़कियाँ जो है ना हाथों से कपड़े सीने के तरीके सीखें, हम कंप्यूटर दे रहे हैं और उसमें नौजवान नौकरियाँ भी कर रहे होते हैं, ये कौन सी है, ये फ़लाँ मुल्क से आई है, ये फ़लाँ मुल्क की तंजीम है, ये फ़लाँ मुल्क की तंजीम है, उनमें होता कोई भी मुसलमान नहीं है, ये क्या है। और इस मुसलमान की आंखें सफ़ेद हैं, इसकी जो आंखों में ये काली निशान है ना ये भी सफ़ेद है, इसको हर तरफ दौलत नजर आती है, इसके सामने दिल में ईमान कुरान है ही नहीं, इसको हर तरफ दौलत नजर आती है, आ रही है आ रही है, इसको आने दो, हमारा खैर ख्वाह है ना, हमें दे रहे हैं, देखो माशरा कितना खुशहाल हो गया। याद रखो जिस माशरे में दौलत की फरावानी होती है वहां जना आम होता है, वहां शराब आम होती है, वहां कत्ल नाहक होते हैं, वहां जुल्म और बर्बरियत होती है, जारहियत होती है, सारे असबाब मुहैया हो जाते हैं बगावत के, और कोई भी काफिर दुनिया का, कोई भी पूरी दुनिया में या तो अहले किताब हैं या मुशरिकीन हैं, जिस मजहब का भी आदमी होगा वो शिर्क के जुमरे में आता है। कुरान का अटल फैसला है कि ये काफिर अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से, मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है, अहले ईमान के खैर ख्वाह नहीं है, हमें अल्लाह की बात पर यकीन नहीं है, हमें इनके मीडिया के बयानात पर यकीन है, और वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी दौलत पाउंड करेंसी की कुव्वत पर हमारे जमीर खरीदना चाहते हैं। अगर नहीं यकीन तो शुमाली इलाका जाकर देख लो, शुमाली इलाका जाकर देख लो कि वहां प्रिंस आगा खान ने कितने लोगों को मुर्तद बनाया, जिंदगी बनाया, और पाकिस्तान में जितनी ये एनजीओ काम कर रही हैं ये लोगों के ईमान को सलब करती है, और ये भूखा पैसों का उसके पीछे भागता है। अपने अंदर गैरत ईमानी ऐसा पैदा करो कि दुनिया के किसी काफिर से हमें खैरखाई की तवक्को नहीं, और हो ही नहीं सकती, हमारे रब ने हमें फरमा दिया, क्यों, हमारे ऊपर जो आसमानों से खैर आई थी, अय युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, वो जो खैर आ रही है वो हमसे छीन रहे हैं, इससे बड़ी खैर कौन सी होगी, है कोई दुनिया में। मैं कसम उठाकर कहता हूं इसके नाजिल करने वाले की, अगर इंसान के पास कुछ भी ना हो खाने पीने का, इसकी तलावत शुरू कर दे, रब ताला अपनी रहमत के खजाने से पेट भर देते हैं, और हजरत उस्मान गनी को का पेट भर के दिखाया अल्लाह ने, 40 दिन तक जो कुरान की तलावत करता रहा, भूख लगती थी तो क्या करते थे, 40 दिन तक, और अल्लाह ने कहा अगर मैं उस्मान को 40 दिन तक कुरान से पेट भर सकता हूं, उस्मान के मानने वाले क़यामत तक जो आएंगे अगर हालत इस्तरारी में पहुंचेंगे तो वो किसी गैर की तरफ नगर निगाह ना उठाएं, मेरे कलाम को लेकर बैठ जाएं, अगर मुंह से लुकमा पेट में नहीं जाएगा, जिस जुबान से तलावत करेगा, मैं गैब के खजाने से रूहानी गजा उसके मैदे में मुंतकिल करके मैं उसको इतनी कुव्वत दे दूंगा कि उसको भूख कभी याद भी नहीं आएगी। लेकिन यह शर्त है कि आदमी का ईमान हो, कुफर से नफरत हो, मोहम्मद रसूलल्लाह से मोहब्बत हो, और इस खैर से मोहब्बत हो जो नाजिल हुई है। ये कुरान पाक में कहा ना अय्युनज़्ज़ल अलैकुम, ये कुरान मजीद है, यही नाजिल हुआ है, इसकी तशरीह हदीस रसूल में, पूरा दीन मोहम्मद रसूलल्लाह का ये खैर आसमान से आया, और अल्लाह ने कहा वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह खास करता अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है, मालूम हर किसी को नहीं मिलती खैर, हर किसी को पूरी ढो कश्मीरियों वालों को मिल जाए ये अल्लाह का कानून नहीं है, पूरे रावलपिंडी वालों को मिल जाए ये अल्लाह का कानून नहीं है, पूरे पाकिस्तान वालों को मिल जाए अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह चुनते हैं, चुन चुन कर उसको देते हैं, और सारी कायनात में से अल्लाह ने चुना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे आला चुना, और हमें इस पर फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सारी कायनात में से मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में चुना, और हुजूर के कलमे और कुरान के हम जिम्मेदार हैं, और अल्लाह ने उन मखसूसीन में हमारा नाम भी शामिल रखा है, और जो आदमी कुरान और सुन्नत से इकारत महसूस करता है वो अल्लाह के चुने हुए लोगों में से नहीं है, मर्दूदीन में से है। अल्लाह कहते हैं मैं हर किसी को नहीं देता, ये खैर आसमानों से आई है, मैं उसी को दूंगा जो जमीन पर रहकर भी अर्शी होगा, इसलिए वो अर्श वाली खैर उसके सीने में मुंतकिल होगी। कल एक किसी ने बात बताई कि एक बच्चे को उसकी माँ ने कहा कि
इसका बाप मर गया, उसकी ख्वाहिश थी आपसे कुरान बनाऊंगी बनाएंगे, वो तो फोत हो गया, मैं चाहती हूँ कि इसको आपसे कुरान बना दूँ। तो फौरन उसकी फूफो बोली, कहने लगी नहीं 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 हमारे बच्चे ये कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कैडेट कॉलेज में दाखिल करेंगे। क्यों? ये मुसलमानों की हालत। उसने समझा मेरे भतीजे की तोहीन हो गई, मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ेगा, हम कैडेट कॉलेज में पढ़ाएंगे उसको। तुम कैडेट कॉलेज में पढ़ाओ या कीडूट में पढ़ाओ, हमें इससे क्या। वो कैडेट नहीं होता, फिर वो के डेड हो जाएगा, और जिसका के डेड हो जाए ना उसका सब कुछ डेड हो जाता है। खैर कुरान पाक है, कसम है रब्बे कुद्दूस की, खैर कुरान पाक है, और जिसका सीना अल्लाह ने मुंतखब फरमा लिया क्यामत तक ये खैर उसके सीने में आएगी, आकर रहेगी, और जिसका सीना कबूल नहीं है उसके सीने में अगर पूरा कुरान यूं ही डालना शुरू कर तो कभी नहीं आएगा, एक जुमला नहीं आएगा। इसलिए अपने लिए, अपनी औलादों के लिए अल्लाह की खैर मांगा करो, कुरान पाक नबी अलैहिस्सलाम का दीन, इसलिए कि ये अल्लाह जिसको खास करता है अपनी रहमत के लिए, उसको चुनता है, उसको देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत अजीम फजल करने वाले हैं, और जिसका जिस ज़ात पर अल्लाह का अजीम फजल होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी खैर उसको देंगे। कानून ये साबित हो गया आज हमारे इस दर्स में कि ईमान वालों को चाहिए कि ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल ना करें कि जो कुफार का है। कोलन फेलन, यहूद नसारा के साथ कोलन भी मुशाबियत ना हो, फेलन भी ना हो। अब ये ला तकूलू में तो कोलन की नफी हुई ना, कि जो जुमले वो इस्तेमाल करते हैं वो जुमले भी इस्तेमाल ना करो, तो फिर फेल बतरीके ओला नफी होगी कि ना कोलन उनकी मुशाबियत इख्तियार करो ना फेलन इख्तियार करो। और हमारे मुसलमान उस मुशाबियत के बगैर खुश नहीं हैं। और दूसरी बात ये साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गौर से सुनो, हमारे नबी दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान आज भी मौजूद है कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, लिहाजा उसको सुनो, सुनो उसको। और जो लोग कुरान सुन्नत और नबी के फरमान के खिलाफ करते हैं वो काफिर हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और दूसरी बात ये साबित हुई, दुनिया का कोई काफिर अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से मुसलमानों का खैर ख्वाह नहीं है, और अल्लाह का जो फजल है वो मखसूस बंदू को मिलता है, हर कसो नाकिस को नहीं मिलता, और जिसको अल्लाह दे दे उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होगा। अल्लाह में अमल की तौफीक नसीब हो।